लोकसभा चुनाव से पहले अजमेर के गेगल थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब की 1350 पेटियों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि गेगल थाना पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर विशेष चेकिंग अभियान चला रखा है और इसके तहत किशनगढ़ से अजमेर की ओर आ रहे एक ट्रक की तलाशी ली गई और इसमें शराब पेटियां बरामद हुई है और साथ ही पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले दो आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अजमेर द्वारा विधानसभा लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक अभियान चला रखा है जिसमें अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के ऊपर रोकथाम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई हो, इसी के अनुसार गेगल पुलिस द्वारा एक बड़ा अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है जिसमें 1350 के लगभग अवैध शराब की पेटियाँ एक ट्रक में दिल्ली साइड से लेकर के और ये राजस्थान और राजस्थान के बाहर के स्टेट में सप्लाई करने के बाद सामने आई है, पकड़ा है, जिसमें दो एक ट्रक का ड्राइवर और एक खलासी को भी हमने गिरफ्तार किया है। करीबन 1350 ये अंग्रेजी शराब की पेटियां हैं जिनको